तो अगर आप भी इंडिया से केन्या की ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड कंफ्यूज है कुछ चीज़ों को लेकर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज एक प्रॉपर गाइड है जिसमें मैं आपको फ्लाइट से लेके वैक्सीनेशन सारी डिटेल्स एंड हाउ एक्सपेंसिव इज मसाले मारा, ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ बेस्ट टाइम टू विजिट केन्या। सो अगर मैं मौसम की बात करूँ तो जैन और फेब बहुत ही बढ़िया टाइम है एंड आपको एनिमल साइटिंग भी बहुत प्रॉपरली हो जाएगी। बट अगर आप ग्रेट माइग्रेशन देखना चाहते हैं, जो बेसिकली तांजानिया से केन्या होता है जब विल्ड बीस ट्रैवल करते हैं, उसके लिए आपको जून से अक्टूबर के बीच में प्लान करना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट टाइम टू गो देयर। रेनी सीजन आप बिल्कुल अवॉइड करना, विच इज फ्रॉम मार्च टू मे। तो इन मंथ्स के अलावा आप एक्चुअली पूरे ईयर में कभी भी जा सकते हो। केन्या इज ओवरऑल अ नाइस डेस्टिनेशन। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज फ्लाइट्स। वेरी गुड न्यूज़ कि इंडिगो ने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दी है नैरोबी से एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, अंडर 30 के आप इजिली मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हो। एयर इंडिया की तो हमेशा से थी, दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी नैरोबी की एंड ये सारी फ्लाइट समवेयर अराउंड 30-40 की रेंज में आपको आराम से पड़ जाएगा अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसी सिटीज से प्लान कर रहे हो। कुछ आपकी जैसे कलकत्ता या बैंगलोर से आपकी कनेक्टिंग होगी, बट मुंबई और दिल्ली से आपकी डायरेक्ट होगी। तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस में एक दो महीना पहले बुक कर लो तो 30-40 इज अ गुड रेंज आपको ईजिली मिल जाएगी बेस्ड ऑन द सर्विसेज। इंडिगो में आपको खाना या बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा कॉन है। और एयर इंडिया में आपको बेसिक अपनी सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, लाइक आपको खाना पीना इंक्लूडेड है बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो ड्रिंक्स एंड ऑल भी इंक्लूडेड है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्लाइट चूज करते हो, बट दिस इज द परफेक्ट रेंज ऑफ इट। इसी के साथ आप नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज वीजा। तो केन्या का वीजा बहुत ही सिंपल है, ई वीजा है बेसिकली, 3-4 days में आपको ईजिली आ जाता है। मैं आपको लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यहाँ पर, वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए एंड 4,100 rupees का आपका पूरा चार्ज है एंड आप इजिली अपने 3-4 दिन में आपको ई वीज़ा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपको बेसिकली अपना फोटो देना होगा एंड कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, तो बहुत ही सिंपल है, ईजिली आपको मिल जाएगा, बट आप 4-5 दिन के बफर में ईजिली अप्लाई कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी की। तो केन्या में केन्या शिलिंग्स करेंसी चलती है, बट आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि USD इक्वली केन्या शिलिंग के बराबर आपको हर जगह इस्तेमाल हो जाती है। सो इंडिया से बेसिकली मैं USD लेके गई थी, बट वहाँ जाकर मैंने थोड़े बहुत $100 के आसपास का केन्या शिलिंग्स में कन्वर्ट करवा लिया था फॉर फ्यू थिंग्स। मतलब आपको अगर कभी लोकली कुछ शॉपिंग करनी है, किसी ट्राइब में जाना है, सो बेसिकली वहाँ पे थोड़ा ईज ऑफ एक्सेस हो जाता है, बट यूजुअली होटल से लेकर कार्ड्स बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है एंड सबसे बड़ा खर्चा आपका नेशनल पार्क्स में जो होता है और खाने पीने की जगहों पे वाइडली एक्सेप्टेड है। बट अगर आप कहीं लोकल एक्सपीरियंसेस पे जा रहे हो कुछ खरीदना है, तो आई विल रेकमेंड कि आप थोड़ा बहुत केन्या शिलिंग्स अपने पास ज़रूर रखें। अदरवाइज बहुत एडवांस लगा मुझे इस मामले में कि आपको बहुत मिनिमम अमाउंट करेंसी कैरी करने पे भी आपका काम चल जाएगा। मैं अगेन नियो ग्लोबल कार्ड लेके गई थी एंड मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो गई थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिम की। आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर 100-200 rupees बचाने हैं और आपके पास टाइम है तो आप सिटी में जाके सफारी कॉम का सिम ले सकते हो, बट एयरपोर्ट पे भी बहुत डिसेंट रेट पे मिल जाता है एंड एयरपोर्ट जैसे ही आप निकलोगे बाहर आपको 2-3 stores दिखेंगे एयरटेल एंड ऑल का, बट सफारी कॉम में आपको 10 USD में 7 GB डेटा, 400 लोकल मिनट्स, व्हाट्सएप एंड ऑल फ्री। बहुत ही बढ़िया प्लान लगा मुझे, तो लोकल कॉल्स करने में भी काफ़ी हेल्प मिला, इंटरनेट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा नेटवर्क मिला सफारी कॉम का। तो आप बिना सोचे समझे एयरपोर्ट से ही ले लो एंड बहुत ज़्यादा सेव नहीं करोगे अगर आप सिटी से लोगे, तो इट्स अ गुड थिंग। करेंसी एक्सचेंज की जो बात आई, वो आप एयरपोर्ट से बिल्कुल मत करना, ट्राई टू मेक इट वाया दी सिटी। आप नैरोबी जाकर करवा सकते हो, अच्छी एक्सचेंज रेट्स आपको मिल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या केन्या ट्रिप आपको सोलो करनी चाहिए या आपको ग्रुप के साथ जाना चाहिए या पैकेजेस। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आप सोलो जा रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस होंगे एंड सफारी में भी आपको अल्टीमेटली एक ग्रुप के साथ ही आना पड़ेगा या वो एक्सपीरियंस ओवरऑल, अगर आप बहुत ज़्यादा बजट लेके चल रहे हैं देन इट्स फाइन, बट अगर आप एक डिसेंट बजट में इंजॉय भी करना चाहते हैं तो एक ग्रुप के साथ जाना इज़ द बेस्ट चॉइस। सो मेरा ट्रैवल लाइकी ट्रैवल्स के साथ था एंड बहुत ही स्मूथ एंड ईजी प्रोसेस था। उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बता दी थी, होटल से लेकर मेरा स्टे, मेरी आइटनरी, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है। सो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, इनकी वेबसाइट है, मैं लिंक दे देती हूँ, आप जाके उनको कॉन्टैक्ट करो एंड यू कैन कंसिडर देम, दे आर अ वेरी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल कंपनी, आई विल डेफिनेटली रेकमेंड इट। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ ATM। तो ATM आपको ईजिली सिटी में मिल जाएंगे, बट अगर आप अपने साथ USD लेके आ रहे हो तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अगर आपको किसी पार्ट पर ATM से निकालना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बट
कंसिडरिंग अगर आप मसाई के अंदर रुक रहे हो रिजर्व में, वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, बहुत लिमिटेड सी जगह है. सो कैश हमेशा एम्पल कैरी करो एंड कार्ड ले जा सकते हो, बट डोंट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपको ATM से विड्रॉ करके देना है. या तो अपने साथ कैश रखो या वो कार्ड जो सीधा आप स्वाइप कर सको. ये दोनों चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखना, बिकॉज कुछ कुछ नेशनल पार्क्स में हमें बहुत चैलेंजेस हुए थे इस चक्कर में. तो अगर आपने कैश ले रखा है तो बेस्ट है, बट इतना कैश आप लाइक बिकॉज एंट्री चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो आई रिकमेंड कि आप एक अच्छा प्रपोर्शन में रखो दोनों का मिक्सचर. इसी के साथ नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस एंड वैक्सीन. तो वैक्सीनेशन की बात की जाए तो येलो फीवर गाइस बहुत मैंडेटरी है. आई मीन देर इज़ नो वे आउट कि आपको नहीं पूछा जाएगा. हो सकता है कभी कभी वापसी में उतने अच्छे से चेक नहीं किया, जस्ट आपसे क्रॉस चेक कि आपके पास है या नहीं इस तरह से, बट इसको आप लाइटली मत लीजिए, बिकॉज रिटर्न में इंडिया आते हुए बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और आपकी एयरलाइंस पे भी डिपेंड करता है. जैसे मैं एयर इंडिया से आई थी, वापसी के टाइम पे हमें पूछा गया था नैरोबी पे कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ, प्रॉपरली चेक किया गया था. तो इसको डॉज करने का मत सोचिए. बेस्ट है अगर आप 10 दिन पहले ले रहे हो, 10 दिन का गैप होना चाहिए, बिकॉज वो वैक्सीन की वैलिडिटी 10 दिन के बाद होती है. तो अगर आप बोलो कि मैंने जस्ट 2 दिन पहले लिया है और यू नो और आपका रिटर्न है, तो फिर थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है. बट वैक्सीन अगर आपको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो पहले से प्लान करके रखो. जब आप सोच रहे हो आपको केन्या जाना है, आप येलो फीवर के लिए अप्लाई कर दो, बिकॉज बहुत सारी जगह मैंने सुना है बहुत चैलेंजेस हुए हैं. मेरे ग्रुप में बहुत लोग नहीं आ पाए थे. सो मुंबई में एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से मैंने करवाया था वैक्सीन. बहुत सिंपल था, सुबह 7-8 बजे पहुँच गई थी, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, एंड सीधे वहाँ पर जाओ एंड आपको विद इन 4 to 5 hours आप फ्री हो जाओगे. दूसरी चीज़, पोलियो वैक्सीनेशन का क्या सीन है, बिकॉज बहुत सारी एयरलाइन ने इस बारे में कुछ नहीं लिख रखा है, बट इंडिगो ने प्रॉपरली लिख रखा है कि पोलियो सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी. तो मैं तो बोलूँगी जब आप जहाँ से येलो फीवर ले रहे हो वहीं से पोलियो ले लो और बिल्कुल टेंशन फ्री जाओ. मैंने पोलियो नहीं लिया था, एयर इंडिया ने चेक नहीं किया, बट हो सकता है कि आपके केस में चेक कर ले, तो मैं गारंटी नहीं देती हूँ कि चेक होगा नहीं होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा डाइसी है, तो आप ले ही लो तो बेटर है. मुझे पता नहीं था, एयर इंडिया ने कहीं नहीं बोला, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. बट आई विल रेकमेंड कि दोनों वैक्सीनेशन पहले ले लो एंड ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर से ले लो, बिकॉज इन कंट्रीज़ में अपार्ट फ्रॉम ये वैक्सीनेशन अगर आप ले भी लो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती है. तो आई विल से कि आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस हर कंट्री के लिए लेके चलो, पर केन्या के लिए तो आप स्पेशली लेके चलो. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एंट्री फीस की, जो कि केन्या का सबसे बड़ा बजट आप अपनी एंट्री फीस को दे दीजिए. तो केन्या का सबसे बड़ा बजट तो आप एंट्री फीस को दे दीजिए. बेसिकली ये सारे प्राइजेज है. मसाई में आपको एंट्री फीस लगेगा और ट्राइब का आपको विजिट लगेगा, नाकरू रिजर्व पार्क का लगेगा. अगर आपको एक्स्ट्रा नॉकटर्नल ड्राइव्स या ऐसे कहीं जाना है अपने स्टेज के साथ, वहाँ लगेगा आपका. एंड क्रेसेंट आइलैंड या जो लेक नाइवेश है उसके लिए लगेगा. तो ये सारी जगह पर आपकी एंट्री चार्जेस है अच्छी खासी. तो ये प्राइजेज है, आप चेक कर लो, जो थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है, बट अभी के हिसाब से ये पूरा प्राइस है. एक और चीज़, लेक नाइवाशा में थोड़ा सा स्ट्रेंज है, एंट्री फीस है बिकॉज वो प्राइवेट रिजॉर्ट है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग होता है. तो आप थोड़ा सा ट्राई करो, अगर ज़्यादा लोग जा रहे हो थोड़ा सा प्रेशर करो. हमने भी 20 USD के आसपास कम करवा लिया था पर हेड, तो इट्स अ स्मॉल बोनस टिप, करवा सकते हो आप. ठीक है, इसी के साथ साथ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ लोकल ट्रांसपोर्टेशन. ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है मसाई का. एक और कौन है कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा इशू होता है. अगर आप सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप नैरोबी में अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ईजिली बोल्ट मिल जाएगा, ऊबर मिल जाएगा. बट अगर आप मसाई मारा जाना चाह रहे हो, फिर लेक नाइवाशा जाना चाह रहे हो, सारी दूर दूर जगह, अगर आपने एक प्राइवेट टैक्सी कर ली है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है. बट अगर आप बसेस एंड ऑल पे थोड़ा सा रिलाई कर रहे हो, थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी मुझे कंपैरेटिवली. एंड इसीलिए यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि मसाई का पूरा एक पैकेज ले ले जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड हो, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा चैलेंज लगा मुझे. कर सकते हो नो डाउट, बट जो आपको कॉस्ट के साथ जो सर्विसेज मिल रही है वो उतनी जस्टिफाई नहीं कर पाएगी. एंड थोड़ा सा सेफ्टी को लेके भी इश्यूज रहता है, टाइम किस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हो, लेट नाइट थोड़ा अवॉइड करना, और थोड़ा सेफ्टी को लेकर बी लिटिल प्रिपेयर्ड, बिकॉज चोरी स्नैचिंग ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा सुनने में आएगी आपको वहाँ पर. तो थोड़ा सा बिवेयर रहना इन सब चीज़ों को लेकर. आई विल रेकमेंड कि आप एक पैकेज ले लो एंड टेंशन फ्री अपनी ट्रिप को इन्जॉय कर पाओ. नेक्स्ट है फूड. भाई फूड तो मेरे को केन्या ने बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया.
नैरोबी में हमें आराम से इंडियन प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिल गए थे, क्योंकि मैं बाहर जाकर भी बहुत लोग बोलते हैं कि आपको इंडियन क्यों खाना होता है। भाई मुझे तो, मैं थोड़ा बहुत लोकल कुजीन साथ साथ में ट्राई करती रहती हूँ, जो भी मुझे वेज में मिलता है आई एम कम्फर्टेबल विद, बट मुझे खाना एक मील तो प्रॉपर चाहिए। तो उसके लिए मैं, नैरोबी में आपको ईजिली इंडियन मिल जाएगा, इंडियन वेज के साथ साथ नॉन वेज में बहुत ऑप्शन है, बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे भी मिल जाएंगे यार, बहुत बढ़िया था। एंड मसाई में, जैसे हम उल्डारपोई में रुके थे, तो यूजुअली मसाई में आपका एक पूरा पैकेज होता है, खाना रहना सब कुछ, तो आपके स्टे पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको उल्डारपोई का बताऊं, तो हमें काफ़ी डिसेंट उन्होंने ग्रुप के हिसाब से वेज खाना दे दिया था, हमें दाल और चावल की वैरायटी अलग अलग रोज़ मिल रही थी, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी विद दैट। थोड़ी बहुत और भी सब्जियां दे वर ट्राइंग, बट खाना वॉज क्वाइट डिसेंट। एंड लेक नायवाशा में भी जैसे हम रुके थे, वहाँ पे भी हमें ईजिली अच्छे खासे कैफ़ेज़ मिल गए थे जो हम ट्राई कर सकते हो। एक जावा फूड करके एक है, वहाँ पे आप जा सकते हो, मॉल में है, बफेलो मॉल में। तो ये सारी जगह पे खाने का मुझे इशू नहीं हुआ, एज़ कम्पेयर टू मुझे साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा फील आया, बट यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं था, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री जा सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो पूरी फुल गेम ड्राइव खुद में बहुत बड़ी एक्टिविटी है। आप क्रिसेंट लेक जाकर बोट राइड कर सकते हो, अगर आपको बीचेस पसंद है तो आप उस तरफ भी जा सकते हो, बट यूजुअली यही सारे स्कोप है एक्टिविटीज़ के, फुल गेम ड्राइव्स एंड लेक एक्सप्लोरेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज़ आइटनरी फॉर योर केन्या ट्रिप। मतलब यूजुअल आइटनरी आपकी 5 से 6 दिन की होती है। स्टार्ट करते हैं हम नैरोबी से, यूजुअली लोग लैंड करते हैं नैरोबी, उस एक दिन में आप नैरोबी में रेस्ट करो अपने होटल में, या फिर आप उसके साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हो जिराफ सेंटर, जो कि बहुत ही बढ़िया जगह है, वहाँ पे जिराफ को फीड किया जाता है, एंड एक बेसिकली स्पीशी है, एंड बहुत सालों पहले एक फैमिली ने उसको सेव किया था, तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, आपको ज़रूर जाना चाहिए। आप नेशनल म्यूजियम जा सकते हो, हिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है तो गाइड ले लो एंड पूरा समझो, बहुत बढ़िया जगह है। उसके साथ कुछ कुछ लोकल मार्केट्स है, वहाँ पे जाकर आप शॉपिंग कर सकते हो। नैरोबी इज ऑल अबाउट दैट, आपके ऊपर है और कुछ एडिशनल आप करते हो तो। इसी के साथ साथ अगर आपको एलिफेंट सेंचुरी जाने का मन है, सो बेसिकली एक पूरा रिहैब सेंटर है एलिफेंट्स का, पर उसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है, जो हमने गलती की थी, हमें स्लॉट्स नहीं मिले, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्री बुक करके ज़रूर जाना, एक दिन नैरोबी में इट विल बी इनफ। उसी के साथ नेक्स्ट डे आप निकल सकते हो मसाई मारा के लिए, रस्ते में आपको ग्रेट रिफ्ट वैली मिलेगी, उसका नज़ारा लेते लेते आप आराम से 4-5 घंटे में पहुंचोगे। थोड़ा जल्दी निकलने का कोशिश करो, बिकॉज एक चैलेंजिंग पार्ट ये है कि मसाई मारा की जो आपकी एंट्री फीस होती है वो पर डे के हिसाब से होती है। तो जैसे आप 80 USD अगर आप बाहर रहते हो मसाई मारा के, तो आपको देना पड़ता है पर डे, डजेंट मैटर आप 1 घंटे के लिए जा रहे हो, आधा घंटे के लिए जा रहे हो, तो उस हिसाब से आप देखना कि अगर आप उस दिन गेम ड्राइव करने का सोच रहे हो तो जल्दी जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा बेटर, नहीं तो आप वहाँ जाके अगर रेस्ट करना चाहते हो, मसाई ट्राइब विजिट करना चाहते हो, या कुछ अलग नॉकटर्नल गेम ड्राइव्स वगैरह देखना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, और उसके अगले 2 दिन आप गेम ड्राइव कर सकते हो, पर 2 दिन तो आप एटलीस्ट गेम ड्राइव करना। प्रॉपर आपको बिग 5 मिल जाएंगे, और अगर बिग 5 में से राइनो मिस भी हो गए तो आपको लेक ना करूँ मैं आराम से मिल जाएगा। डिपेंड करता है, थोड़ा सा लक भी है इसके साथ, बट आप पेशेंस के साथ पूरा फुल गेम ड्राइव इंजॉय कर सकते हो। लंच आपको आपका स्टे वाले ही बुक करके देंगे, मतलब पैक करके देंगे, तो आप वहाँ पर जाके एक अच्छा सा ट्री ढूंढो, उसके शेड में इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद में मसाई मारा के बाद आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको राइनोज एंड फ्लेमिंगोज देखने हैं तो लेक ना करूँ ज़रूर जाना। इसी के साथ आप लेक नायवाशा जा सकते हो। तो जैसे 2 दिन आपका मसाई हो गया, उसके बाद हम चले गए थे नायवाशा, तो हमारा स्टे नायवाशा था, पर हम नाकरू होके गए थे, तो मसाई से पहले लेक नाकरू गए, वहाँ पर हमने 3-4 घंटे एक्सप्लोर किया, उसके बाद वहाँ से आकर हम नायवाशा स्टे किए, अगले दिन हम पूरा लेक नायवाशा देखे, उसी के साथ हमने क्रेसेंट लेक देखा। तो इसी तरह से हमने अपने 5 दिन डिवाइड किए, और 6th डे हम वापस नैरोबी आ गए थे। आप ट्रैक भी कर सकते हो, माउंट लॉन्गनॉट का आप ट्रैक कर सकते हो, बट अगर आपको और एक्सटेंड करना है, आप एक दिन और ट्रैक यूज़ कर रहे हो, तो डे 6 आप नायवाशा में रुक कर ही ट्रैक कर सकते हो। 7 अगर आपको बीच एक्सप्लोर करना है तो आप बीचेस वाले एरिया में भी जा सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे स्ट्रेच करते हो, बट ये आइडियल 6 डे आइटनरी है फॉर केन्या। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, विच इज़ स्टेज। तो नैरोबी में हम रुके थे होटल बोलवर्ड में, जो कि अराउंड 5 to 5.5K का प्राइस था पर नाइट, एंड काफ़ी बढ़िया था। वहाँ पे इंडियन शेफ थे, एक्चुअली जयपुर से थे वो, तो उन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया खाना दिया, मज़ा आ गया। उसके बाद हम मसाई मारा में, हमारे मसाई के बाहर था स्टे, विच वॉज उल्डारपोई, लोकल्स वहाँ की कम्युनिटी वो चलाती है, तो बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। अगर आपको अंदर भी जाना है तो बहुत फैंसी फैंसी आपको मिल जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है स्टेज के। पहले हमारा प्राइड इन होने वाला था, आप वो भी चेक कर सकते हो, हमें काफ़ी
रिसेंट लगा था 10 to 12,000 रुपीस पर नाइट के चार्जेस है मसाई के, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग अगर आप मसाई आ रहे हो तो। उसी के साथ साथ हम नाइवाशा में रुके थे ग्राजिया में, जो अराउंड 5-6,000 अगेन उसका प्राइस था, काफ़ी डिसेंट न्यूली मेंटेन था, तो मेन सिटी में था, बेसिक आपको सारी सर्विसेज मिल गई थी, साफ सुथरा था। तो ये तीन हमारे मेजर स्टेज थे। वापस नैरोबी आके वी टुक अ फ्लाइट, सो आप स्टेज इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ कॉस्टिंग ऑफ द ट्रिप। अगर आप फ्लाइट्स, वीज़ा, इंश्योरेंस, स्टेज, अपने वैक्सीनेशंस और एंट्री चार्जेस ले ले, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे कॉस्ट को बोले, तो मैं आपको बोल के चलूँगी 1.4 या 1.5 लाख तो आपका आराम से पड़ जाएगा, आप कितना भी सेव कर लो। ओवरऑल मैं आपको बजट में बता रही हूँ, अगर आप ग्रुप में भी जाते हो तो इनके जो प्राइजेज होते हैं पैकेजेस के, वो भी इसी अकॉर्डिंग होते हैं। मिनिमम आप मान लो 10-20,000 और क्रश करके बचा सकते हो, बट आप 1.4 या 1.5 का बजट तो पर हेड पर पर्सन तो ज़रूर से लेके चलना, बहुत ही प्रैक्टिकल और फीजिबल चीज़ है अगर आप 6 दिन के लिए जा रहे हो, और एक्सटेंड कर रहे हो तो बजट बढ़ता जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ द टिप्स टू गो टू केन्या। थोड़ा सा लोग डरते हैं केन्या को सुनकर, अफ्रीका होल कॉन्टिनेंट को सुनकर, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज जाती है, बहुत सारे कपल्स होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आप अकेले ही हो वहाँ पर, आप जहाँ जा रहे हो। आप पहली बात अगर ग्रुप के साथ जा रहे हो तो वैसे भी कम्फर्ट जोन है, बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है, एंड ओवरऑल हर जगह से हर टाइप के ट्रैवलर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा नैरोबी जैसी सिटी में, जब आप स्लम्स एंड ऑल को क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी के शीशे बंद रखो, बहुत ज़्यादा अपने पैसा इन सबको इतना एक्सपोज मत रखो। वो तो आई थिंक हम इंडियंस हैं तो हमें वैसे भी चीज़ों का पता रहता है, तो कुछ नया आपको सुनने को नहीं मिलेगा। खाने पीने को लेकर जो एक्स्ट्रा टेंशन होती है वो इतनी नहीं है जैसा हमें परसेप्शन बनाया जाता है अफ्रीका में। केन्या में बहुत सारे इंडियंस आए हुए हैं तो आपको ईजिली खाना भी मिल जाएगा। इसी के साथ आप मेजर टिप्स की अगर बात करो तो वैक्सीनेशन बस टाइम पे ले लेना, एंड आई होप आप इस जगह को फुली इंजॉय करो, ट्राइब से मिलो, मज़ा आ जाएगा आपको इस ट्रिप पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड यू फाउंड इट यूजफुल। अगर आपको लगा है कोई चीज़ मिसिंग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई कैन हेल्प यू। होप यू गाइज हैव अ गुड ट्रिप। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।